खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह मछली, चलो शांत हो जाओ। ओह कोई रो रहा है, मैं आ रहा हूँ। ओह मुझे किसी को खिलाना है, मैं आ रही हूँ। वाह यह अच्छा था, मेरी मदद चाहिए। लिन्ना मैं आ रही हूँ। वाओ मेरे चाह का इतनी जल्दी जवाब देने के लिए धन्यवाद, मैं सच्ची में भूखी हूँ। मैं एक वर्ल्ड कलिनरी चुनौती की घोषणा करती हूँ, चलो चलते हैं, यह मजेदार होगा। अरे हाँ यह मजेदार होगा, और हम यूएसए से शुरू करेंगे। सब कुछ कितना असामान्य है। और हम अपने पसंदीदा हॉट डॉग के साथ शुरू करेंगे। अरे हाँ यह आसान है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे हॉट डॉग बनाए हैं। मुझे यकीन है कि यह छोटा बन मुझे सूट नहीं करेगा, यह क्रम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बेकार ब्रेड के बजाय मैं एक असली ब्रेड ले लूंगा, इसके अंदर ही मेरा सॉसेज होगा। हाँ यह अच्छा साइज है, मैं एक असली ग्रिल पर सॉसेज पकाऊंगा, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जिससे मैं उन्हें एक विशेष स्वाद दे सकता हूँ। मुझे जानना है कि बाकी हॉट डॉग कैसे बना रहे हैं। मैं कुछ बहुत अच्छा करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे डोसे कुत्ते के मुंह को बनाना होगा, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी डिटेल जोड़ूंगी, आँख कान बनाऊंगी, और मुझे एक ओवन की भी जरूरत होगी जिसमें मेरा डो तैयार किया जाएगा। तो सॉसेज तैयार है, यह एक हॉट डॉग असेंबल करने का समय है। चलो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रेड पर सलाद के पत्ते डालता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ताजे हैं, एकदम सही, जिसके ऊपर से चीज के टुकड़ों से ढकना होगा। टमाटर अगला होगा। क्या आपको लगता है कि ये इतना ही है? ऐसा नहीं है, अब मुझे हैम और बेकन की जरूरत होगी, और उसके बाद मैं उनमें सॉसेज लपेटूंगा, तो मुझे असली मीट रोल मिलेंगे। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अब यह सॉस का समय है, जितनी ज्यादा सॉस होगी हमारा हॉट डॉग उतना ही स्वादिष्ट होगा। यह बहुत हानिकारक है, नहीं मुझे यह मंजूर नहीं है। मेरा हॉट डॉग बेशक कम इंग्रेडिएंट से मिलकर बनेगा, लेकिन यह बहुत प्यारा होगा। तुमने कुत्ते के चेहरे के रूप में हॉट डॉग को और कहीं देखा है? ऐसा लगता है कि कुत्ते के मुंह में सॉसेज है, यह बहुत प्यारा है। वाओ कितना अच्छा। वाओ सब कुछ सबने तैयार कर लिया, मुझे भी जल्दी करना होगा। सबसे पहले मुझे एक सॉसेज पकाना होगा, इसके लिए इसे फ्राइंग पैन में तला जाना चाहिए। चलो थोड़ा इंतजार करती हूँ। ओ नहीं अब ये सॉसेज नहीं है, किसी तरह का कोयला है। शायद मेरे पास मेरे बैकपैक में कुछ हो जिसका उपयोग स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाने के लिए किया जा सकता है। ओ हाँ मैं एक मीठा हॉट डॉग बनाऊंगी, सॉसेज के बजाय एक केला होगा, और लेटस के पत्तों के बजाय गमी होगा। अगला चॉकलेट सिरप और व्हिप्ड क्रीम का उपयोग किया जाएगा, और ऊपर मैं पूरी चीज को ओरियो क्रम से सजा सकती हूँ। मुझे तो लगता है ये बहुत मस्त है। रुको बनाना बंद करो, मुझे भूख लगी है। यह तय करने का समय है कि कौन जीता। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सबसे पहले मैं इस विशाल वाले को आजमाऊंगी जो सैम ने मेरे लिए बनाया है। हालांकि इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। नहीं मैं अपने मुंह में इतना बड़ा हॉट डॉग नहीं डाल सकती। दादी आपने बहुत अच्छा सैंडविच बनाया है, ये साधारण स्वाद का है लेकिन ये सच्ची में अच्छा लग रहा है। लिंडा का असामान्य हॉट डॉग है। दिलचस्प, ये बहुत स्वादिष्ट है, शायद ये आज के लिए सबसे अच्छा हॉट डॉग है। तुम जीत गई लिंडा, ये मुझे पता था कि मैं तुम सभी को हरा दूंगी। इस बार हम जाएंगे इटली, यह देश अपने डिशेस के लिए प्रसिद्ध है। वाओ मैंने हमेशा यहाँ आने का सपना देखा है। लज़ानिया, पास्ता, पिज्जा, मैं पिज्जा चूज करती हूँ। पिज्जा यह किया जाएगा, जाहिर है डो की तैयारी के साथ शुरू करना होगा, यह पिज्जा का बेस होगा।
मेरी सफलता काफी हद तक उस पर निर्भर करती है, इसलिए डो को अच्छी तरह से गूंदने की जरूरत है, फिर एक प्लेट पर रोल आउट करना है। चलो करता हूँ इस तरह से। मैं एकदम प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मुझे हर काम अच्छे से करना है, और बेशक तुरंत साइड्स को भी तैयार करना है। अगला टमाटर का पेस्ट, चीज, और जाहिर है ताजा टमाटर का उपयोग किया जाएगा। लेकिन पेपरोनी के बिना किस तरह का पिज्जा? वे सबसे स्वादिष्ट होते हैं, और पिज्जा के सरफेस पर उन्हें बिखरने में भी बहुत मजा आता है, ऐसे एक एक करके। मुझे पहले कभी खुद पिज्जा नहीं बनाना पड़ा। खैर, मैं इसे जितना हेल्दी हो सके बनाने की कोशिश करूंगी। ऐसे में ब्रोकली को पीसकर शुरू करना सही रहेगा। इस तरह से एक क्लासिक ब्लेंडर इस काम के लिए बिल्कुल सही है। यह हो गया। कितनी अच्छी ब्रोकली की खुशबू आ रही है। खुशबू, मैं बीमार हो जाऊंगी। फिर मुझे इस मिक्सचर में कुछ अंडे मिलाने होंगे, और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाना होगा। इस मिक्सचर को फ्राइंग पैन में भूनने के बाद जो पैनकेक मिलेगा वही मेरे पिज्जा का बेस बन जाएगा। पैनकेक को टमाटर के पेस्ट के साथ ढकना चाहिए, फिर ग्रेट किया हुआ चीज, ताजा टमाटर और थोड़े कैप्सिकम। इस बीच मेरा पिज्जा लगभग तैयार है। पेपरोनी के बाद मुझे कुछ हरा जोड़ना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिज्जा को ओवन में भेजना होगा। मुझे इसे एक विशेष शावल के साथ करना होगा। हराम, पिज्जा तैयार है। मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कैसे? आप सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लिए? मैं सब कुछ अभी कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, क्यों ना सभी तरीकों को मिलाएं? मैं एक ब्लेंडर में सभी आवश्यक इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी। तैयार। अब मुझे डो पर टमाटर का पेस्ट लगाना होगा, और फिर ब्लेंडर का मिक्सचर के साथ पूरा चीज तैयार करना होगा। मुझे लगता है ये अच्छा बनना है। चलो डो पर ये मिक्सचर को और डालती हूँ। वाओ, मैं पिज्जा को बर्नर से जल्दी पका सकती हूँ, यह आसान है। यह लगभग सही निकला। हाँ एमिली, ये एक विनर चुनने का समय है। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। दिलचस्प। लिंडा, यह क्या है? तुम्हारा पिज्जा बहुत बुरा लग रहा है, मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। चलो देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। डो का बहुत असामान्य हरा रंग है। यह ब्रोकली की तरह लग रहा है, जिससे मुझे नफरत है। छी, केवल सैम से सभी आशा बची है। उसका पिज्जा सबसे स्वादिष्ट लग रहा है। ओ हाँ, सब कुछ स्पष्ट है। सैम, तुम जीत रहे हो, तुम्हारी जीत पर बधाई। हाँ, आखिरकार मेरे कलिनरी स्किल की सराहना की गई। धन्यवाद। तीसरे दौर में हम जापान जाएंगे। वाह, मैं यहाँ पहले कभी नहीं गई हूँ। मुझे रामेन चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? हम कोशिश करेंगे। मुझे लगता है यह किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो ट्यूटोरियल के तरह रामेन पकाऊंगी, तो यह ज्यादा संभावना है कि मैं सफल होऊंगी। सबसे पहले मुझे विशेष नूडल्स पकाने की जरूरत है। स्टोव पर पॉट रखा और उसमें पानी डाल करके नूडल्स डाला। उसके बाद फिर मुझे मीट के टुकड़ों का उपयोग करना होगा। मुझे नहीं पता कि जब हर किसी का फेवरेट नगेट्स हो तो कुछ नया आविष्कार क्यों करे। ये बहुत स्वादिष्ट है, उन्हें बस पानी में डाला जाना चाहिए। फिर मुझे कुछ हरियाली जोड़ना होगा। बकवास, मैं अपनी रेसिपी के अनुसार रामेन बनाने जा रही हूँ।
सबसे पहले मुझे पास्ता के लिए बेस को भूनना होगा। इस मिक्सचर को एक असली स्पेगेटी बनाने के लिए एक पतली धारा में उबलती पानी में ढाला जाना चाहिए। चलो, एक छेद बनाया और अब खौलते पानी में सब डालना है। इस तरह से नूडल्स सबसे अच्छे तरीके से बनेगा। और साथ ही साथ मेरे पास मीट के लिए तला हुआ चिकन है। मैं ऐसे प्लेट में रामेन को सजाऊंगी। मैं सब चीज को ऐसे रखूंगी ताकि वो एक भालू के मुंह की तरह दिखे। कितना प्यारा है। मैंने भी काफी अच्छा किया है। अब केवल अंडे को जोड़ना और ब्रोथ को एक विशेष भूरा रंग देना बाकी है। मैं इसे कोला की मदद से कर सकती हूँ। कोला सभी को पसंद होता है, मुझे भी। यह अजीब है, ऐसे रामेन को तैयार नहीं किया जाता है। आपको स्पेगेटी को ब्रोथ में उबालने की जरूरत है, जिसमें आपको पहले थोड़ा सोया सॉस डालना होगा। फिर आपको मीट, हरी प्याज और जाहिर है एक अंडा भी जोड़ना होगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। बढ़िया। और अब इस अंडे को दो भागों में तोड़ना होगा। बेशक इसे समुराई तलवार से करना सबसे अच्छा होगा। आखिरी टच तीखी मिर्च है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत ताजा, फ्रेश। मैं तैयार हूँ। चलो, मैं तुरंत इसे चक्कर देखना चाहती हूँ। बोन एपिटीट। चलो, सबसे पहले लिंडा ने जो बनाया है मैं उसको ट्राई करूंगी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नगेट्स के ऊपर कोक डाला हो। छी, भयानक। दादी, आपके पास क्या है? सब कुछ सेक्शंस में अलग करना एक दिलचस्प तरीका है। यह स्वादिष्ट था, मुझे यह पसंद आया। और सैम का रामेन अभी बाकी है, यह अच्छा लग रहा है। ओह, कितना तीखा। नहीं, मैं वो नहीं खा सकती। मुझसे नहीं होगा। दादी, आप इस बार जीत गई, मुबारक हो। मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। धन्यवाद एमिली। सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्वादिष्ट चुनौतियों को मिस ना करें। यह और भी दिलचस्प होगा।